गली बॉय फिल्म सिर्फ रैप के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये मुंबई के धारावी स्लम में रह रहे यंगस्टर्स के अंदर उस लावा की कहानी है जो क्लास डिफरेंस, गरीबी और बेरोजगारी की आंच पर खोलता रहता है। रैप उस लावा को रास्ता देने वाला ज्वालामुखी है बस। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गली बॉय की सबसे बड़ी खासियत इसकी ओरिजिनलिटी है। धारावी जैसी जगह के किसी भी घर के ऐसे हालात जिनके बारे में आप और मैं बस मैगजीन्स के स्पेशल आर्टिकल्स में पढ़ते होंगे या फिर कभी किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, गली बॉय ऐसे सारे हालातों का एक मॉन्टाज है। रणवीर का कैरेक्टर मुराद सपनों की जीती जागती शक्ल है। सपनों के साथ आने वाला एक्सेप्टेंस का डर, गरीबी में निगल लिए जाने की वल्नरेबिलिटी और मौका मिलते ही निकल बहने वाला पैशन, ये सब कुछ मुराद है। मुराद AKA गली बॉय। हिंदुस्तान को, हाँ जी हिंदुस्तान को, असली हिप हॉप से मिलाएं हिंदुस्तान को। सोशल सिक्योरिटी के साथ आने वाली जकड़न, ट्रेडिशनल सोच में पिसते आजाद सपने और पिंजरे में कैद पक्षी का चेहरा है सफीना यानी आलिया भट्ट। इनकी लव स्टोरी वो पावर है जो दुनिया बदलने की ताकत रखती है। सफीना मुराद के लिए वो गाइडिंग स्टार है जिसके सहारे वो अंधेरे में उड़ान भर रहा है। मुराद सफीना के लिए वो ख्वाब है जिसे चूमते ही उसकी सुबह हो जाएगी। और इस बेहद खूबसूरत सुबह तक पहुंचने का रास्ता है मुराद का रैप। और इस पावरफुल वाले रैप तक मुराद को ले जाता है एक लोकल रैपर MC शेर यानी सिद्धांत चतुर्वेदी। शेर एक तरफ तो मुराद की इंस्पिरेशन है लेकिन दूसरी तरफ ही मेड इट श्योर कि वो मुराद के रास्ते का पत्थर ना बने बल्कि उसे अपनी खुद की जर्नी लिखने दे। जितने भी चीरफाड़ आर्टिस्ट हुए ना आज तक, सबके सब भूखे फक्कड़, हालत ऐसी कि जो मिलेगा नोच खाएंगे, बीट चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले फिर जाके कुछ उगाड़े। मुराद के अब्बू हो या उसकी अम्मी या मामा या उसके दोस्त, गली बॉय का एक एक कैरेक्टर पूरी फिल्म है। कोई भी किरदार सिर्फ स्क्रीन भरने के लिए नहीं है बल्कि हर एक कैरेक्टर पूरी फिल्म की एक मजबूत कड़ी है। ये रीमा काकती और जोया अख्तर की कहानी की सबसे खास बात है। और जोया के डायरेक्शन की बात करें तो गली बॉय को उनकी बेस्ट फिल्म माना जा सकता है। जोया सीन दर सीन वो माहौल बनाती चलती हैं जहां से मुराद गली बॉय बनता है। एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो था बैकग्राउंड स्कोर। ये इतना सटल है कि आपको सीन के इमोशन तक हाथ पकड़ कर नहीं खींचता बल्कि आपको एक जरूरी सन्नाटे में छोड़ देता है जहां आप खुद इमोशन तलाश सकें। यही रीजन है कि फिल्म में बहुत जगह आप सेंटी हो सकते हैं। धारावी के बंटाई रैपर्स के सीन पर आने के बाद इनकी फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ी। इन्हीं में से डिवाइन और नेजी आज बहुत आइकॉनिक नाम है। गली बॉय की स्टोरी इन दोनों की लाइफ से काफी इंस्पायर्ड है लेकिन एग्जैक्टली इनमें से किसी की लाइफ की कॉपी नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट स्टोरी है। इस फिल्म का ट्रेलर आने के बाद से ही हॉलीवुड फिल्म 8 Mile से इसका काफी कंपैरिजन हुआ लेकिन यहां से भी कॉपी जैसा कुछ नहीं है। कुछ मैनरिज्म्स की सिमिलैरिटी जरूर है, वो शायद इसलिए कि अमेरिकन रैपर Eminem का पूरी दुनिया के रैप सीन पर काफी इन्फ्लुएंस रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो रणवीर सिंह तो बहुत हार्ड है भाऊ, बहुत ज्यादा हार्ड। धारावी के टोन और मैनरिज्म्स को रणवीर ने जिस तरह पकड़ा है वो फैंटास्टिक है। जहां गली बॉय की एनर्जी और पैशन की जरूरत पड़ने पर रणवीर बॉम्ब बन के फटते हैं, वहीं नॉर्मली एक हेजिटेटेड और वल्नरेबल मुराद को पोर्ट्रे करने में वो परफेक्शनिस्ट लगते हैं। कहीं से भी ये लगता ही नहीं कि ये वही एक्टर है जो मसाला एंटरटेनर सिम्बा में एक ओवर द टॉप पुलिस वाला बना था। आलिया भट्ट का क्यूट कम साइको अवतार ऑ इंस्पायरिंग है और बहुत रिलेटेबल है। सफीना का कैरेक्टर आलिया के बेस्ट कैरेक्टर्स में गिना जाएगा। डेब्यूटेंट सिद्धांत चतुर्वेदी को आप एक बार के लिए रियल रैपर समझ लेंगे लेकिन इस बंदे की एक्टिंग का दम समझना हो तो अमेजोन प्राइम की सीरीज इनसाइड एज देखिए। दोनों कैरेक्टर पोल्स अपार्ट है और ये बंदा दोनों कैरेक्टर्स में बिल्कुल अलग अलग है। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट विजय वर्मा, कल्कि, शिवा चड्ढा, विजय राज और सारे लोकल रैपर्स, एक एक बंदा परफेक्ट है। विजय मौर्य के डायलॉग और जे ओझा की सिनेमेटोग्राफी ने गली बॉय को एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस बना दिया है। गली बॉय का म्यूजिक वैसे भी रिकॉर्ड तोड़ हो चुका है और पूरा एल्बम लूप पर सुनने लायक है। गली बॉय में बस एक छोटी सी दिक्कत है, सेकेंड हाफ में फिल्म जरा सी ड्रैग है लेकिन मेरे लिए ये इसलिए एक्सेप्टेबल था क्योंकि ये स्टोरी डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। कुल मिलाकर गली बॉय दिल से बहुत सच्ची है और स्क्रीन पर एक बेहद नई दुनिया रचती है। मेरी तरफ से गली बॉय को 4.5 स्टार्स।